हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हैं बिलासपुर। पहला लास्ट ब्लॉग था हमारा पालमपुर टू बिलासपुर, और अब हम बिलासपुर आपको दिखाएंगे। यहाँ से बिलासपुर जाएंगे, वहाँ पे जो गोविंद सागर लेक है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ पे कोई हिल टॉप है बंदलाधार, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिलासपुर कैसा है एक्चुअली में। इंस्टाग्राम पे वीकेंड ट्रैवल फॉलो कर लेगा, इस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, तो ज़रूर आप देखें। तो ये गोविंद सागर लेक है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, लेकिन अभी अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा मुश्किल है। बोट वगैरह वहाँ पे दिख रही है हमें, तो वो अलग रास्ता है, हम वहाँ से अगर जाएंगे तो बोटिंग भी होती है। तो ये है गोविंद सागर लेक, यहाँ से तो काफ़ी गहरा पानी लग रहा है, ये देख सकते हो आप। तो अभी हम चलते हैं बंदलाधार, वहाँ से आपको ऑल बिलासपुर देखने को मिलता है। सो ये बिलासपुर की एक बहुत ही फेमस लेक है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं बिलासपुर में। और सेकंड जो जगह है यहाँ पे घूमने लायक वो है बंदलाधार, तो बंदलाधार से हम आपको व्यू दिखाएंगे। से सीधा बंदलाधार जाएंगे। यहाँ से मंडी 62 है और मनाली 172। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से आपको गोविंद सागर लेक दिख रही है, सारा एरिया कवर किया हुआ है। और मैं यहाँ से आया था, आपको यहाँ से दिखा रहा था गोविंद सागर लेक। अब मैं हाइट में हूँ, बंदलाधार अभी थोड़ा सा और ऊपर है। बंदलाधार यहाँ इस व्यू पॉइंट से थोड़ा और ऊपर है, वहाँ से दिखाएंगे और कितना अच्छा दिखता है। तो ये बिलासपुर की टॉप अट्रैक्शन है, यहाँ पे लोग काफ़ी विजिट करते हैं बंदलाधार। तो अभी थोड़ा सा और ऊपर है, मैं आपको ये आधे रास्ते से दिखा रहा हूँ यहाँ से। सो अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्यों यहाँ पे इतने लोग आते हैं। बिलासपुर से 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है बंदलाधार के लिए, और यहाँ पे आपको कैब इजीली मिल जाती है बिलासपुर में बंदलाधार के लिए। तो आप इजीली आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। क्या माउंटेन जाए यहाँ पर, कांगड़ा में भी कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं। और ये हम बिलासपुर के काफी नज़ारा है देखने। काफी हाइट पे हूँ मैं अभी, देख सकते हो आप। और मॉर्निंग में काफी फॉगी होता है, सो अभी तो थोड़ा सनराइज हो चुका है तो इतना फॉगी नहीं होगा, लेकिन देखते हैं व्यू कितना अच्छा होता है। और ये काफी हाइट पे जा रहे हैं हम।
सो अगर आप चंडीगढ़ से आते हो तो 118 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है बिलासपुर का, और बिलासपुर से यहाँ बंदलाधार जो ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। अभी देखते हैं कैसा व्यू है, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। काफ़ी सीनिक माउंटेन्स हैं यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बंदलाधार में पैराग्लाइडिंग भी होती है, और अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाता है स्टे करने के लिए। सो आप यहाँ पे आ सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो ये सारा व्यू है यहाँ का, और ये गोविंद सागर लेक है यहाँ पे, ये छोटा सा ग्राउंड भी दिखता है बीच में। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, और ये था यहाँ का व्यू, और काफ़ी अच्छी लोकेशन, आप ज़रूर विज़िट करें बंदलाधार। बिलासपुर का ये सारा एरिया दिखता है, जितना भी बिलासपुर और एक गोविंद सागर लेक भी आपको दिख रहे हैं, और काफ़ी मतलब अच्छा स्पॉट है ये, यहाँ पे आप विज़िट ज़रूर करें बंदलाधार। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, और सपोर्ट करते रहो। अगले ब्लॉग में रिवाल्सर लेक मिलते हैं आपको।